उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा के जटिया कोविड अस्पताल में निरीक्षण के लिए स्थानीय विधायक विजेंद्र सिंह और सीएमएस पहुंचे। स्थानीय विधायक और सीएमएस ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का हाल जाना। इस दौरान मरीजों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही कुछ मरीजों का कहना है कि ऑक्सीजन और दवा न मिलने के कारण तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। इस दौरान सीएमएस ने दावा किया है कि दवा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के अनुसार मरीजों को दी जा रही है। अधिक डोज देने पर मरीजों की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है, इस कारण अधिक डोज नहीं दी जा रही। साथ ही स्थानीय विधायक ने पर्याप्त मात्रा में दवाएं और ऑक्सीजन के साथ सभी कोरोना योद्धाओं से अच्छे व्यवहार की चेतावनी दी है। साथ ही विधायक का कहना है कि यदि अगर कोई भी डॉक्टर कोरोना वायरस मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और दुर्व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की जाएगी, जिसको लेकर सीएमएस ने कहा कि सभी डॉक्टर कोरोना योद्धाओं से ठीक तरीके से बात कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आ रही। यदि अगर किसी मरीज को कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दूर किया जाएगा और अस्पताल में समस्त मरीजों को जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का टोल फ्री और सरकारी प्राइवेट नंबर भी उपलब्ध करा दिया गया है। मैं आज कोविड अस्पताल में गया था अंदर और पीपी किट पहन के गया था और वहाँ पर मुझे बाहर वो तीमारदार भी मिले थे। उसके जो जितने भी मरीज हैं वहाँ पर मैंने उनसे भी बात की थी, तो तीमारदार अब जर भावुकता में जैसे कह देते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और माता हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी का भाई है, कि व्यवस्था अंदर ठीक नहीं है। कोई एक आध लोग कह देते हैं लेकिन अधिकतर उन्होंने वैसे व्यवस्था सही बताई वहाँ पर। तो पीपी किट पहन के मेरे संग वो आरसी वर्मा जी हैं, सीएमएस साहब, वो भी गए थे, हम दोनों गए थे। तो हमने जाके मरीजों से सभी से बात करी तो हमारे वहाँ पे ऑक्सीजन की दवाई गोली की व्यवस्था हमको कहीं तक ठीक मिली। और एक दो मरीज उसमें थे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमारे को नहीं लग पाई है और हमको परेशानी हो रही है। तो मैंने सीएमएस से पूछा, मैंने कि इनके डॉक्टर साहब ऑक्सीजन क्यों नहीं लगी है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया सीएमएस साहब ने कि विधायक जी इसकी हिसाब से दी जाएगी जितनी ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा देंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए कभी कभार हमको हटानी पड़ती है। लेकिन विधायक जी देखा मैंने कि तीमारदार अंदर सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं पहुँच रहे हैं, केवल जो सफाई कर्मचारी है वो सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जा रहे हूँ डॉक्टर। जब सीएमएस मेरे साथ गए हैं आरसी वर्मा जी, तो डॉक्टर लोग भी जा रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं थी। किसी मरीज ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तीमारदार घूमते दिखाई दिए थे, भावुकता में तो चले ही जाती हैं। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन भावुकता में डॉक्टरों पर भी तीमारदार नहीं रुकते हैं, क्योंकि किसी का माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, किसी की सासू माँ हैं, किसी की अब ऐसे रिश्तेदार हैं तो अपने घर वाले हैं, तो इस वजह से जो रुकते नहीं हैं तीमारदार। अब डॉक्टर तो मना भी करते हैं, भाई नहीं आओ यहाँ पे, इनके पास आना ठीक नहीं है, संक्रमण और ज़्यादा फैलेगा, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, भावुकता में आ जाते हैं तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर लोग।